कोरोना संक्रमण के खिलाफ देश भर में जारी जंग में कई कर्मवीर भी अपना सहयोग दे रहे हैं। बाड़मेर शहर के साथ जिले भर में कई भामाशाहों व समाज सेवी शहर में विभिन्न जगहों पर घूमकर गरीब लोगों को खाने के पैकेट वितरित कर रहे हैं। सेडवा के पनोरिया में जरूरतमंदों को बुधवार को भामाशाहों ने खाद्य सामग्री के किट वितरित किए। सेडवा से आसुदान की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों को लिए जो दिहाड़ी मजदूरी सहित अन्य तरह के रोज कमाकर खाने वालों के लिए खाने पीने की बड़ी समस्या बनकर रह गई है। बाड़मेर जिले भर में कई युवाओं ने आगे आते हुए अपने घरों में खाना पकाकर जरूरतमंद व बेसहारा लोगों को खाना खिलाया। सेडवा पंचायत समिति के पनोरिया ग्राम पंचायत में जरूरतमंदों के लिए भामाशाह आगे आ रहे हैं। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध सामग्री नहीं मिल रही है, वहीं दूसरी ओर आवागमन भी बंद होने से आगे से माल नहीं आने की कमी के चलते लोगों को खाने की सामग्री भी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में कई लोग ऐसे जो भामाशाह के रूप में जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। बुधवार को पनोरिया में मालाराम विश्नोई सरपंच पनोरिया, युवा भामाशाह इंद्रदान, पृथ्वीराज अशोक विश्नोई, सुखदान ने गरीब असहाय परिवारों के लिए दाल चावल आटा तेल शक्कर चाय की पत्ती खाद्य सामग्री के 20 किट तैयार करवा कर जरूरतमंदों को वितरित किए। मेरे भामाशाहों को जागरूक किया है कि लोगों से अपील किया कि आप भामाशाह बने और भामाशाह ने बहुत सहयोग किया है। आज 20 किट वितरण किए हैं और सब लोग सहयोग के लिए तत्पर सेवा पे हैं और जो मेरे सरकारी कर्मचारी है वो भी लगे हुए हैं। और वहीं भामाशाहों ने कहा कि जब तक कोरोना महामारी से जंग जीत नहीं जाते तब तक गरीबों व असहायों की रसद सामग्री व खाने के पैकेट का वितरण का कार्य जारी रहेगा। रसद सामग्री किट वितरण के दौरान सरपंच मालाराम विश्नोई, भरतदान, रुपेश माजू सहित कई भामाशाह उपस्थित रहे।